अब ये पूरी तरह से तय हो गया है कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और कभी सबसे पावरफुल मंत्री रहे शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया यानी प्रसपा बहुत जल्द एक होने वाली है। इसका संकेत खुद अखिलेश यादव दे रहे हैं। ऐसा होने से समाजवादी पार्टी को जन्म देने वाले यूपी के पूर्व सीएम और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव अपनी पार्टी की रक्षा कर पाने की हसरत पूरा कर पाएंगे। चचा भतीजे की इस लड़ाई में पार्टी का बंटाधार होने से नेताजी अरसे से दुखी थे। वो अपने बेटे अखिलेश को भी लगातार समझा रहे थे और भाई शिवपाल को भी, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े थे। लेकिन हाल में जिस तरह से अपने पिता के कहने पर पार्टी ने रुख में बदलाव किया है और शिवपाल के लिए नरमी दिखाई है, उससे यही लगने लगा है कि सपा प्रसपा का एक होने की कवायद शुरू हो गई है। दरअसल शिवपाल के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष के पास दल बदल कानून के तहत सदस्यता रद्द करने की अर्जी दी थी। शिवपाल की विधानसभा की सदस्यता जाती किससे पहले मुलायम सिंह यादव के दबाव में आकर विधानसभा में पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी ने अर्जी वापस ले ली। उसके बाद सवाल पूछा जाने लगा कि अब प्रसपा और शिवपाल का क्या होगा, क्या वो लौट कर समाजवादी पार्टी में आएंगे, क्या वो अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर देंगे। बहुत सारे सवालों का सामना करते हुए अखिलेश ने भी साफ कर दिया कि प्रसपा से केवल जसवंत नगर सीट पर ही समझौता संभव है, जहां से शिवपाल विधायक हैं। यानी अखिलेश ने साफ कर दिया कि वो प्रसपा को केवल एक विधायक वाली ही पार्टी मानते हैं। अखिलेश ने लगे हाथों ये भी संकेत दे दिया कि नेताजी के दबाव में आकर उन्होंने शिवपाल के विधायक वाली नौकरी तो नहीं खाई, लेकिन आगे उन्हें राजनीति करनी है तो उन्हें अखिलेश को ही अपना बॉस मानना होगा। हालांकि शिवपाल ने अभी तक अखिलेश के फैसले का विरोध नहीं किया है, इसलिए माना जा रहा है कि एक सीट की पार्टी होने से बेहतर है कि अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय करा दें। ऐसा अगर शिवपाल ने किया तो समाजवादी पार्टी में महासचिव जैसा रुतबा फिर से हासिल कर सकते हैं। दूसरी अहम बात ये कि पार्टी को बचाने और फिर से सत्ता में लाने के लिए मुलायम सिंह यादव अब तक जो भी सलाह अखिलेश को दे रहे थे उस पर अमल नहीं हो रहा था, उल्टे नेताजी के सलाह के उलट पार्टी चल रही थी। नेताजी ने कांग्रेस से दोस्ती का विरोध किया था। नेताजी ने पीएसपी सुप्रीमो और यूपी के सीएम रही मायावती के साथ मिलकर चुनाव न लड़ने की हिदायत दी थी। अखिलेश को कहा था इससे पार्टी कमजोर हो जाएगी, लेकिन अखिलेश नहीं माने और बहन जी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। चुनाव में हार मिली सो अलग, बहन जी ने तोहमत और लगा दिया। अब अखिलेश ने यह फैसला कर लिया है कि वो अपने पापा के कहने के मुताबिक ही चलेंगे, इसलिए अखिलेश ने अभी से ऐलान कर दिया है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के दरवाजे छोटी पार्टियों के लिए जरूर खुले रहेंगे, लेकिन बड़ी पार्टियों मसलन कांग्रेस और बीएसपी के लिए दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। आकाश शुक्ल, लखनऊ।